नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडियन बैंक का नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि शुरू से लेकर अंत तक आपको क्या करना है, और दोस्तों इसमें आपको यदि आप नेट बैंकिंग इंडियन बैंक का एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ें का ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको अपना ATM कार्ड आपके पास रखना होगा, और आपका पासबुक अपने पास रखना होगा, और आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीन चीज जो है ये आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप नेट बैंकिंग जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले मेरे आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल टेकीराज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, उसे क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक करने के 2-3 सेकंड बाद में आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगा वहां पे, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इंडियन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे के रखा है, वहां पे आप क्लिक करते हो तो आप ये इंडियन बैंक का वेबसाइट में आ सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करते हो आपको दूसरा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले जैसे कि आपको बताया कि आपको पासबुक का जरूरत होगा, आपके पासबुक में आपका CIF नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। और यदि आपको CIF नंबर नहीं मिल रहा है तो आप अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं CIF नंबर के बदले में, ठीक है। तो CIF नंबर नहीं डाल के आप अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं, दोनों में से एक डाल दीजिए। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ध्यान रहे कि कंट्री कोड मत डालिएगा, इंडिया का कंट्री कोड +91 कंट्री कोड है, वो +91 मत डालिए, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद सबमिट पे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड भी दिया गया है, इसका इस्तेमाल किए हुए आप यहाँ पे टाइप करके एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं आपको दूसरा पेज ओपन होगा, यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे, तो ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फैसिलिटी आपको दिया गया है, यहाँ पे व्यू फैसिलिटी ओनली, व्यू एंड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, दो फैसिलिटी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि आपको व्यू ट्रांजैक्शन फैसिलिटी पे आपको क्लिक करना है। यदि आप व्यू फैसिलिटी ओनली पे आप क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए से आप ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रहे कि आप व्यू ट्रांजैक्शन फैसिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ये दूसरा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको लॉगिन पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो दोस्तों लॉगिन पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। लॉगिन पासवर्ड आपका जब भी आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तब आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डाल दीजिएगा और री एंटर वो सेम पासवर्ड को फिर यहाँ भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सैंपल देके रखा है दोस्तों, इस प्रकार से आप लॉगिन पासवर्ड बना सकते हो। एक कैपिटल लेटर में रहेगा और एक कैपिटल लेटर दीजिएगा और स्मॉल लेटर दीजिएगा। ध्यान रहे कि दो अल्फाबेट और एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, न्यूमेरल होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से देने से आपका सही रहेगा, ये एक सैंपल मैंने आपको दिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप अपना पासवर्ड भूलते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करते हो, जब आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तब आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, इनकेस आप पासवर्ड भूलते हो तो। तो यदि आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तब आपको ये मदद करेगा आपका पासवर्ड रिकवर करने के लिए और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने के लिए। तो व्हाट इज योर नेम ऑफ योर फेवरेट कजन, व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ योर यंगेस्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको दो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आप नाम देना चाहते हो वो आप दे दीजिएगा। और ध्यान रहे कि आंसर जो है ये आप याद रखिएगा ताकि पासवर्ड भूलने पर आपको ये मदद कर पाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ दो ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देने के बाद सिंपली आप सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन टाइप आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू ब्रांच, एक्टिवेट थ्रू ATM कार्ड।
तो दोस्तों हम ब्रांच विजिट करके तो हमें एक्टिवेट करना ही नहीं है क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सिंपली आप एक्टिवेट थ्रू एटीएम कार्ड कीजिएगा। यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तब तो आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा, आपके पास एटीएम कार्ड है तब तो आप थ्रू ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों एक्टिवेट थ्रू एटीएम कार्ड कीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिंपली कंफर्म पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा जो है ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ से लेके स्क्रॉल डाउन करना होगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये एरो के नीचे में जो आपको एग्री का बटन दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले यहाँ पे आपको मार्क करना होगा, यहाँ पे मार्क करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे एग्री बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप एग्री बटन पे क्लिक करते हो आपको ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है दोस्तों, एटीएम कार्ड नंबर आपको डालना होगा। सबसे ऊपर एटीएम कार्ड नंबर आपका 16 डिजिट का रहेगा, फ्रंट साइड में एटीएम का वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और एटीएम कार्ड के नंबर के बिल्कुल नीचे आपका एक्सपायरी डेट रहेगा, डेट आपका रहेगा, मंथ और ईयर रहेगा, वो दोनों डाल दीजिए। उसके बाद एटीएम का आपका जो पिन है, जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जो आप पैसे विड्रॉ करते हैं एटीएम मशीन के जरिए से, वो पिन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो पिन यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो डालने के बाद अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, एक्टिवेशन विल बी डन विद इन 24 आवर्स, यू मे एक्सेस नेट बैंकिंग सर्विसेज बाय लॉगिन इन विद CIFF नंबर एंड लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैन बी जनरेटेड ऑनलाइन ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका नेट बैंकिंग जो है ये जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है कस्टमर नेम, CIF नंबर, रेफरेंस नंबर जो है ये एक जगह पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा, आपको जरूरत पड़ेगा बाद में। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है ये जनरेट करना है। तो अभी पहली बार जब आप लॉग इन करते हैं तब आपको ये करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर लेते हैं। एग्जिट पे क्लिक करने के साथ साथ आपको क्या करना है, दोबारा से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, इंडियन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करते हैं ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, लॉगिन यूजर आईडी आपको डालना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका लॉगिन यूजर आईडी दोस्तों CIF नंबर ही आपका यूजर आईडी रहेगा। ठीक है, मैंने आपको जो नोट डाउन करने के लिए बताया था CIF नंबर, वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालना होगा, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। लॉगिन पे दोबारा से क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है बनाना है। दोस्तों ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड जो है ये दोनों अलग अलग चीज है। ओके, जब आप लॉगिन करते हो इंटरनेट बैंकिंग में तब आपको लॉगिन पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के अंदर घुसने के बाद, आपके अकाउंट के अंदर में घुसने के बाद, जब आप किसी को पैसे भेजते हो या फिर रिचार्ज करते हो या फिर एयर टिकट्स बुक करते हो, ट्रेन टिकट बुक करते हो, तब आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है वो जरूरत पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी मैंने आपको पहले जैसे कि बताया कि 2 अल्फाबेट 1 न्यूमेरल होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि 6 से लेकर 16 तक कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो आप डाल लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आपका नाम यदि कुमार है तो आप KUMAR कुमार दे दीजिए और वहाँ पे 1, 2, 3 ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो देने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, इट विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट लॉगिन। तो अभी कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप ओपन होगा, आपको यहाँ पे मेल बॉक्स पे कुछ मेल आया है तो ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सारा कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा है और आपने कितना पैसे निकाला है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन टर्म डिपॉजिट अकाउंट, फंड ट्रांसफर कर सकते हो आप, IMPS ट्रांसफर कर सकते हो, मैनेज बेनिफिशियरी कर सकते हो और बिल पे कर सकते हो, लाइट बिल हो गया और आपका बहुत कुछ बिल्स जो होता है वो सारा कुछ, GST हो गया, सारा कुछ यहाँ से पे कर सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी कुछ यहाँ पे अभी इंटरनेट जो है बैंकिंग में फैसिलिटीज दिया गया है, उसका आप लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपना नेट बैंकिंग जो है एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी नहीं जाएगा लाइक करने में दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, यदि वो भी परेशान है नेट बैंकिंग खोलने के लिए तो उन्हें भी मदद हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।